गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम यूअर SST टीचर ऑफ क्लास 5th फ्रॉम सुपीरियर मॉडल स्कूल. टुडे आवर लेक्चर नंबर 6 इन लेसन नंबर 3. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फिलिंग द ब्लैंक्स किए थे एंड आज का हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन हमारे पास चूज द करेक्ट है ट्रीज आर द डैश ऑफ द अर्थ. ट्रीज आर द डैश ऑफ द अर्थ के दरख्त हमारे पास ज़मीन के डैश हैं. किडनी, लंग्स या हार्ट, तो ब्लैंक में आते हैं लंग्स, फेफड़े. सेकेंड वन, टू मच ऑफ रेडिएशन कैन हार्म अस बाय काजिंग डैश एंड आई डैमेज. कहते हैं जब सूरज से ज़्यादातर शुआएँ जो है जब ज़मीन पर आती हैं तो उससे आई डैमेज होते हैं और डैश भी होता है, तो डैश में आएगा स्किन कैंसर. सूरज की शुआएँ इतनी डेंजरस होती हैं जिसकी वजह से आई डैमेज एंड स्किन कैंसर होता है. ऑप्शन में है स्किन कैंसर, डेथ या हेल्दी. कहते हैं सूरज की शुआओं से हमें स्किन कैंसर होता है या डेथ होती है या हम हेल्दी हो जाते हैं. थर्ड वन, द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप बाय ग्रीन हाउस गैसेस सच एज वाटर वेपर एंड डैश. कहते हैं जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर जो है वो ग्रीन हाउस की वजह से ट्रैप्ड होता है, जैसे कि हमारे पास है वाटर वेपर एंड डैश. तो डैश में क्या आएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमारे पास ब्लैंक में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CARBON, कार्बन डाइऑक्साइड, DIOXIDE, ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. फोर्थ वन इज सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विल बिकम डैश रिजल्टिंग इन क्रॉप फेलियर. कहते हैं कि दुनिया का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें क्रॉप जो हैं, फसलें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं. किसके रिजल्ट में, डैश के रिजल्ट में. तो हमारे पास डैश में क्या आएगा कि हमारी फसलें क्यों ख़राब हो रही हैं, किसकी वजह से, ड्रायर खुश्की की वजह से, वेट ज़्यादा गीलेपन की वजह से मतलब ज़्यादा फसलों को पानी देने की वजह से, या ह्यूमिड या किसी नमी वगैरह की वजह से. तो सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विल बिकम ड्रायर रिजल्टिंग इन दी क्रॉप फेलियर. कहते हैं कि क्रॉप फेलियर की वजह से खुश्की जो है वो बढ़ रही है दुनिया के कुछ हिस्सों में. द फिफ्थ वन इज द हीट फ्रॉम द सन हीट्स अप द अर्थ. कहते हैं कि जो हमारा जो हीट आती है सन से वो डैश को हीट अप कर देती है. तो जब सूरज से शुआएं ज़मीन पर आती हैं, हीट ज़मीन पर पहुंचती है, तो वो किस चीज़ को हीट अप करती है, मून को, एटमॉस्फेयर को या अर्थ को. तो ब्लैंक में आएगा अर्थ, द हीट फ्रॉम द सन हीट्स अप द अर्थ. बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था और आप इसे अच्छी तरह कॉपी में लिखें. सबसे पहले मार्जिन लाइन लगाएं, डेट लिखें और एंड में क्या करना है कि आप लोगों ने एंडिंग लाइन मस्ट लगानी है. थैंक यू.